वेलकम स्टूडेंट, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को है। ये क्लास में जो ले रहा हूँ भारत एवं वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित सभी प्रश्न हैं, क्योंकि अभी री एग्ज़ाम होने वाला है और इसके पहले एग्ज़ाम जो हुआ था यूपी पुलिस का, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आ गए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं इसी में आपके कवर हो जाएंगे, तो पूरी वीडियो आपको देख लेना है। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। मैं कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर लेकर आपके लिए आ रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए और हर लेवल के प्रश्न आपको पेपर में अगर मिले तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मिले। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा मैं प्रूफ लेकर भी आऊँगा कि हमारे कौन कौन से वीडियो से कितने प्रश्न उठे हैं, क्योंकि मैं जब यूनिक तरीके से पढ़ाता हूं तो मुझे विश्वास है कि प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें, क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेक्शन के आप करीब हैं, एक गलती आपको काफ़ी समय तक वंचित कर सकती है नौकरी के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपसे पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भारत। इस भारत इसका आंसर है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफिनेशन। भारत ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत में सबसे ज़्यादा जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जैविक खाद करने वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में कभी भी कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, जो कंपोस्ट खाद होती हैं वही प्रयोग किया जाता है। इसका स्थान भारत में प्रथम है, और अगर भारत के राज्य में बात करें तो यह पहला राज्य सिक्किम है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि चावल में जो प्रथम स्थान किसका देश में है, तो पहला स्थान जो देश में है वह चीन में है। ठीक है, मैं ऑलरेडी अभी करंट अफेयर में कंप्लीट करवाया हूँ। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो क्लासेस चल रही हैं क्लास इग्नोर ना करें। करंट अफेयर की 3 वीडियो आएगी, पहली वीडियो आपके सामने आ चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, और 2 वीडियो और आएगी जिसमें सभी करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे। तो अगर विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चावल की खेती होती है वह होती है चीन में। कहाँ पर? चीन में। और अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होती है वह होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर जूट कहाँ होता है तो भारत में, और भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा जूट किस जगह होता है, तो पश्चिम बंगाल में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मूंगफली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो गुजरात में। ठीक है, अगर हम बात करें कि सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वह होती है राजस्थान में। तो इन सभी पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है। देखिए, भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है NCDX के द्वारा किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AgriDX, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जूट के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह पहला स्थान है, और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट होता है, तो वह होता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कितनी फसलें गन्ने को छोड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 फसलें, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के आधार पर तय किया जाता है, तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कैनोला एवं सरसों के आधार पर तय किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इनको पढ़ लेना है। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैनोला एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय किया जाता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदारी है, और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार 22 अधिष्ठित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जायद फसल के मौसम के दौरान क्या होता है? तो जायद फसल के मौसम के दौरान आपको बताना है शरद, शीत, ग्रीष्म, वर्षा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद फसलों की बुआई फरवरी से मार्च में किया जाता है तथा उत्पादन अप्रैल से मई के बीच होता है। जायद की फसलें में तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग आदि की खेती किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम समसिन नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें चार में कौन सा हो जाएगा आंसर, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि रवि, खरीफ, जायद ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन ये बर्चन कहाँ से आ गया, नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे, लिख कर ले लेना। भारत में बर्चन मौसम रस नहीं है, पहले पॉइंट ये याद रखना है। भारत में तीन फसलें मौसम होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बुवाई की जाती है, या पूछा जा सकता है कि रबी की फसल की बुवाई कब होती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। और खरीफ की फसल की बात करें तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि। अब जायद की फसलें, यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है और नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जूट, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूट को गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है। सरकार नायलॉन की जगह जूट निर्मित वस्तु का उपयोग पर बल दे रही है। भारत में जूट उत्पादक शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल पहला है, और उसके बाद असम और उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? शून्य बजट आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष पालेकर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस का सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं जो क्लास करा रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनाज उपजाने वाली प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
23 कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलें के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 1985 में इसका नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। इसका नाम कब बदला गया? तो इसका नाम का परिवर्तन हुआ 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद के प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार है वो कंपोस्ट के प्रकार हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, M.S. स्वामीनाथन को जनक के रूप में क्या माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो माना जाता है, M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पॉइंट को आपको देख लेना है, M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको की बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? देखिए, अगर भूमि पे कोई ऑलरेडी पहले से ही ले चुका है, भूमि बंधक करवा चुका है, तो उस पे कृषि ऋण नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमि बंधक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, KCC जो बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, यह पहली बार प्रयोग में कहाँ पे लाया गया था? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पॉइंट को याद रखना है। बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? अल्पकालिक फसल उन्हें मानी जाती है जो एक साल के कम समय में पैदावार होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, फसलें जो एक साल और 3 महीने की अवधि, गलत है। एक साल से अधिक ये भी गलत है। जो फसल एक साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है, उन्हें अल्पकाल फसल के माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 15 वर्ष होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण अधिकतम अवधि 15 वर्ष है, और नाबार्ड ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था, ये आपको याद रखना है। ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना, तो 12 जुलाई 1982 को किसके समिति पे? तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर मुंबई में की गई थी। यह कृषि ऋण योजना परिचालन और ग्रामीण अंचल में दीर्घ ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राई से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर UPP में सिलेक्शन लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो क्लास इग्नोर नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो 100% वर्दी आपको मिलेगी। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीके में से कौन सा अधिक प्रचलित है? तो आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह ट्यूबवेल से, लेकिन साथ में कुएं भी दे दिया गया, तो कुएं और ट्यूबवेल से जल की सिंचाई अधिकतम होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? देखिए, सब्जी उत्पादन में जो सबसे ऊपर है वह पश्चिम बंगाल है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत में कौन से राज्य सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं ये पूछा गया है। इसका उत्तर बताने से पहले मैं बता दूं दोस्त, जो करंट अफेयर की मैं 3 क्लास लेके आऊँगा, इसमें से 1 क्लास पहली आ चुकी है, इन तीनों क्लास को इग्नोर नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो जो 3 से 4 प्रश्न करंट के बन रहे हैं, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्न जो बनेंगे, सभी को उस 3 क्लास में कवर किया जाएगा। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राज्य में सबसे अधिक सिंचित जो क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहाँ किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते थे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। काफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? देखिए यहाँ पे मूल स्थान पूछा गया, गलती नहीं करना, तो हो जाएगा इथियोपिया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वही किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू से है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इस पॉइंट को देख लेना, इससे एक प्रश्न बन सकता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से, और गुलाबी क्रांति का मतलब संबंध झींगा मछली से है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है शेयर क्रॉपिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? आपसे पूछा गया, इसका आंसर बताना है। यहाँ लोग गलती कर जाएंगे और उत्तर प्रदेश लगा देंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की उत्पादन सबसे अधिक बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत गन्ने का जन्म स्थान तो माना जाता है, वैसे तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, किंतु प्रति हेक्टेयर गन्ने का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली में है। इन पॉइंट को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जी से, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो आप कपूर का प्रयोग कर देते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मछली की किस्मों को तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र के गहरे पानी से पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि किसको कहा जाता है? देखिए झूम कृषि उन्हें कहते हैं जहाँ पे जो बड़े बड़े जंगल झाड़ी पहाड़ी होते हैं उन्हें काट कर जो खेती किया जाता है उन्हें हम झूम कृषि कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसे दहिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है उसे गाँव में कहते हैं फावड़ा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है, तो उसे हम रोपण खेती कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? देखिए बागान फसल यहां पे काफ़ी, चाय, काजू तीनों है, लेकिन मोटे अनाज नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो। भारतीय मृदा में कमी है, आपको बताना है किस चीज़ की भारतीय मृदा में कमी है? तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो मैंने कहा अगर हेक्टेयर की बात किया जाए तो तमिलनाडु और वैसे तो गन्ना का उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो नारियल उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है आपको बताना है इसका आंसर, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं केरल जो है नारियल प्राकृतिक रबड़ और काजू में प्रथम स्थान है, कर्नाटक कहवा और रेशम में प्रथम स्थान है, आंध्र प्रदेश तंबाकू और हल्दी में प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल चावल स्वच्छ जलीय मछली और जूट में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? देखिए व्यापारिक या नकदी फसल उन्हें कहते हैं जो किसान व्यापार के उद्देश्य कृषि करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें तो नकदी फसल जो है वो हो जाएगा कपास जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियां और फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का उत्पादन नहीं है? देखिए यहाँ देखिए मसाले और फूल बागवानी क्षेत्र हैं, पेड़ और अनाज फसलें नहीं हैं, औषधीय पौधे और रोपण फसलें भी हैं और सुपारी भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धान कहाँ की मुख्य फसलें हैं आपसे पूछा गया है, तो मैंने बताया धान जो सबसे ज़्यादा होता है वो चीन में होता है। भारत की बात करें तो ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि धान चीन में प्रमुख फसल है। इसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये पूछा जा सकता है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया है का अर्थ बताना है, किस चीज़ का अर्थ? उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क की अनाधिकृत उपयोग है। दूसरों के ट्रेडमार्क का जो अनाधिकृत उपयोग करता है उसका क्या अर्थ है? उसका है अर्थ ट्रेडमार्क उल्लंघन जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति MCP के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण कहलाते हैं जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। शब्द भेदिया लेन देन किस से संबंधित है? तो भेदिया लेन देन है शेयर बाजार से संबंधित जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई बुक स्पेशल लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 100% आपकी वर्दी पक्की है कब? पढ़ने के बाद। और इसमें मैं आपको बता दूं मैथ रीजनिंग जो कि हमारे द्वारा, पूजा मैम के द्वारा हिंदी ग्रामर और विपिन सर के द्वारा GK स्पेशल कवर किया गया है, जो कि जो सिलेबस में आपके दिया गया है यूपी पुलिस के सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और न्यूमेरिकल मानसिक योग्यता से सभी को एक एक करके कवर किया गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। इस ई बुक को अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप इस ई बुक को आप ज़रूर बाई कर लीजिए। इस पर अभी मैं 60% का आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम बचा है जिससे आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देख सकते हैं आप इसी तरह मैथ रीजनिंग GK सभी को कवर किया गया है। अगर आप इस ई बुक को आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिया गया है 8948667652 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा या आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे प्राप्त होगी। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक की कीमत है, तो अभी आप जस्ट इसे परचेज कर लीजिए। अगला प्रश्न है वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो दोस्त ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न भारत एवं वाणिज्यिक व्यापार से जो परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी
23, 24, 25, 30, 31 को पूछे जाएंगे। देखिए इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि न्यू अपडेट में है, तो वह मैं करंट अफेयर के 3 पार्ट में वीडियो ला रहा हूँ, पार्ट 1, 2, 3। इन वीडियो को देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली वीडियो आ चुकी है, 2 वीडियो और आएगी। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।